थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूँ नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं एक लोअर बॉडी वर्कआउट। इस वर्कआउट में 6 एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम 30 सेकेंड वर्क और 10 सेकेंड ब्रेक की तरह से करेंगे और एक राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद हम उस राउंड को फिर से रिपीट करेंगे। इस वर्कआउट में मैंने लोअर बॉडी के सभी मेजर मसल ग्रुप जैसे कि क्वाड्स, हैम्स, काफ इंक्लूड किए हैं, तो ये वर्कआउट आपके हर मसल ग्रुप को टारगेट करेगा। तो चलिए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट। इसके लिए हमें शोल्डर विथ डिस्टेंस पे अपने पैरों को रखना है और जितना नीचे जा सकते हैं नीचे जाना है। बॉडी स्ट्रेट रहेगी और स्टैंडिंग पोजीशन में अपने ग्लूट्स को थोड़ा स्क्वीज करना है, उसके बाद आपको नीचे बैंड होना है। और हाँ, अपने हील्स को बिल्कुल भी उठाना नहीं है, उनको हर वक्त आपको फ्लोर पर टच करके रखना है। नेक्स्ट अप है हमारा फॉरवर्ड लंजेस। फॉरवर्ड लंजेस परफॉर्म करने के लिए एक वाइड स्टांस आगे की तरफ लेना है या फिर आप एक वाइड स्टांस पीछे की तरफ भी ले सकते हैं। और जो आपका फॉरवर्ड नी है, फॉरवर्ड लेग का जो नी है, वो आपके टोज को क्रॉस नहीं होना चाहिए। और अपने जो बैकवर्ड नी से आपको थोड़ा सा टैप करना है फ्लोर पे और सीधा ऊपर उठना है जब तक कि आपके दोनों लेग स्ट्रेट ना हो। अब हम दूसरी साइड पे, मतलब डोमिनेंट साइड पे बाद में करेंगे, सबसे पहले हम नॉन डोमिनेंट साइड पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो साइड मोस्टली थोड़ी वीक होती है। मेरी नॉन डोमिनेंट साइड लेफ्ट साइड है, तो मैंने लेफ्ट में पहले परफॉर्म किया है, अब मैं राइट में करूँगी। अगर आपके लिए बैलेंस इसमें थोड़ा सा इशू है तो आप जो आपकी रेस्टिंग साइड है उस साइड आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि सपोर्ट बहुत कम, जितना कम हो सके उतना कम लेना है। नेक्स्ट अप है हमारा डेडलिफ्ट। इसके लिए स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे पहले अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना है और चेस्ट आउट करना है, और उसी पोजीशन में हमें नीचे की तरफ बेंड करना है। एक सॉफ्ट बेंड नी में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होना है, थोड़ा सा बेंड नी में होना है। और अपने ग्लूट्स को पीछे की तरफ पुश करना है, बैक आपकी थ्रू आउट स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है बैक को। नेक्स्ट अप है हमारा सुमो स्क्वाट। इसके लिए शोल्डर विथ से और थोड़ा ज़्यादा वाइड हमें अपने पैरों को रखना है और नीचे की तरफ जाना है। बॉडी बिल्कुल अपराइट और स्ट्रेट रहेगी, जितना आप नीचे जा सकते हैं उस पोजीशन में आपको नीचे जाना है। और आपके इनर थाइज में जो टेंशन आपको फील होगी उसको फील करके ऊपर आना है। और टॉप पोजीशन, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन पे अपने ग्लूट्स को आपस में थोड़ा स्क्वीज करना है दूसरा रैप परफॉर्म करने से पहले। नेक्स्ट अप है हमारा काफ रेजेस। इसके लिए एक नैरो स्टांस लेना है, मतलब पैरों को आपस में करीब करीब रखना है और पंजों के बल आपको ऊपर उठना है। और अपने काफ में जो टेंशन आपको फील होगी उसको फील करना है थोड़ी देर, थोड़ा पॉज देके फिर आपको नीचे जाना है। और बहुत ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहना है, अपने हील्स को थोड़ा सा हल्का सा टैप करके फ्लोर पे फिर से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है इस वर्कआउट का, अब हमने सेकंड राउंड में है। हम स्क्वाट से शुरू करेंगे। याद रखिए अपनी हील्स को बिल्कुल रेज नहीं करना, जितना आप लो स्क्वाट कर सकते हैं करना है, और बैक स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल अपराइट।
काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप अभी तक, थोड़ा सा वर्कआउट बचा हुआ है। और सेकेंड राउंड में हमारा डेडलिफ्ट है, इसे बहुत ध्यान से आपको परफॉर्म, जो जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताए हैं उन सबको ध्यान में रखे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और इसमें अपने हाथों को बहुत ज़्यादा आपको टच करने की, पैरों को ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको शोल्डर्स झुकाने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर्स हमेशा आपको स्क्वीज़ करके रखने हैं, मतलब आपकी जो बैक मसल हैं, जो आपकी लैट्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टेड रखना है थ्रू आउट। सुमो स्क्वाट्स में ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें लो जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लो नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा लो नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी जो रेंज है उसमें भी आप खुद को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करिए, ताकि आप और नीचे जा सकें, ताकि आपके मसल्स पे जो इम्पैक्ट है एक्सरसाइज का वो और बेटर हो सके। सेकेंड राउंड और उसकी लास्ट एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से किया आपने वर्कआउट। इस वर्कआउट को आप वीक में दो बार अपने बाकी वर्कआउट के साथ मिला के कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वर्कआउट, अगर ये वर्कआउट आपने मेरे साथ किया एक फॉलो अलॉन्ग की तरह, या फिर आपने अपने घर में किया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।